सब्सक्राइब करें एनआईसीटी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें डेली जीएसटी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एनआईसीटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज के इस वीडियो में आपको मैं हम लोग डायरेक्ट टेली में से मेल कैसे कर सकते हैं, हमारा कोई पार्टी का स्टेटमेंट हो या इनवॉइस वगैरह मेल करना चाहते हो तो हम लोग कैसे मेल कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको याहू के मेल आईडी में क्या सेटिंग करना होगा, मैंने आगे के वीडियो में इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जीमेल के सेटिंग के ऊपर। आपको अगर जीमेल के अकाउंट यूज करके अपने मेल आईडी टेली में से अगर आपको मेल करना है तो कैसे करना है, उसके अंदर कैसे कैसे सेटिंग करना है अकाउंट के अंदर, तो सेम चीज में आपको भी याहू में से अगर आप चाहते हो कि आपका याहू का अकाउंट है और आप याहू के अकाउंट को कन्फिगर करना चाहते हो टेली में तो उसको कैसे कन्फिगर करना है, हम लोग कैसे उसके थ्रू मेल कर सकते हैं टेली में से, तो उसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो तो उसको पूरा देखें, क्योंकि अगर आप उसको पूरा देखोगे तो आपको उसको फाइनली पता चलेगा कि उसका आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है, क्योंकि आप कहीं पर भी जॉब करोगे वहां पे ये सारी चीज की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ये सारी चीज को बराबर से सीखो समझो और अपने टेली के अंदर इम्प्लीमेंट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, जो आपका याहू का मेल आईडी होगा, ये मेरा मेल आईडी है, तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट से यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फो में जाना है मेल आईडी ओपन करके, फिर अकाउंट सिक्योरिटी में जाना है। अकाउंट सिक्योरिटी में देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है अलाउ एप्स दैट यूज लेस सिक्योर साइन इन, इसको अगर आपका ये ऑप्शन बंद है तो उसको ऑन कर देना है। शायद वेरिफिकेशन के लिए आपको पूछेगा, तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपको देखो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अगर इनेबल है तो कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आपको खाली टेली के अंदर ही सेटिंग करना है। अभी आपको टेली में क्या करना है, मेन गेटवे स्क्रीन पे आना है, एक्टेल प्रेस करना है, ईमेल में जाना है और यहाँ पे अगर आपको याहू मेल सेटिंग करना है तो याहू मेल सेट यूज करना है और यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, यहाँ पे आपका जो याहू का मेल आईडी है mhpatel1984@yahoo.com, आपका yahoo.com है तो yahoo.com टाइप करें, yahoo.mail.com है तो yahoo.mail.com का टाइप करें और yahoo.in है तो yahoo.in करें, जो भी है। और यहाँ पे आपको जो आपका मेल आईडी है फिर से रिपीट करना है, यहाँ पे आप खाली mhpatel1984 इतना दे दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड टाइप करना है, ठीक है, और किस फॉर्मेट में आप मेल भेजना चाहते हो, मतलब आप पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो तो यहाँ पे आप पीडीएफ सेट कर दो, तो इसी तरह से आपको सेव कर लेना। अभी हम लोग एक इनवॉइस पर्टिकुलर को एक इनवॉइस को मेल करना देखेंगे या फिर एक स्टेटमेंट किसी पार्टी का स्टेटमेंट भेजते हैं। डिस्प्ले अकाउंट लेजर एनआईसीटी कंप्यूटर, ठीक है, हम इसका स्टेटमेंट भी हम इसको ईमेल करेंगे। देखो ईमेल जैसे ही करते तो ये पूरा डिटेल, तो जो हमारा मेल आईडी वो तो डिटेल यहाँ पे आ गया, लेकिन हमने पार्टी के अगर अकाउंट में अगर ईमेल सेट नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे मैन्युअल एंटर करना होगा। हम लोग मैन्युअल एंटर करके देख लेते, पार्टी के अकाउंट में कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेल जा चुका है, अभी हम लोग एक बार रेडी मेल का जो मैंने मेल आईडी है उसमें मैंने मेल किया था तो हम लोग चेक करेंगे कि मेल आया कि नहीं। चलो मेल आए, उससे पहले मैं आपको पार्टी के लेजर में कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पार्टी का लेजर ओपन करोगे तो यहाँ पे ईमेल ऑप्शन आता है, अगर ये स्क्रीन आपको नहीं शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे एप्रेल में जाके प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यस कर देना। जैसे आप प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यस कर दोगे, देखो मैं यहाँ पे नो करके एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ईमेल कॉन्टेक्ट डिटेल्स बंद हो चुका है, यहाँ पे वापस आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग मेल आईडी भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, फिर एक बार वापस चेक करके देखेंगे।
सीसीबी आप सेट कर सकते हो। अभी इस इनवॉइस को हम लोग मेल करके देख लेते हैं, पहले इसको सेव कर दो। देखो जैसे मैंने वापस किया तो ये देखो यहाँ पे मेल आईडी ऑटोमेटिक आ चुका है, तो फिर आपको हर बार मेल आईडी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग चेक करते हैं, मेल आईडी आ चुका है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुका है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुका है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। फिर इसको हम ओपन करके भी देख लेते हैं, दूसरा भी मेल आ चुका है जो मैंने वापस किया था। देखो ये स्टेटमेंट आ चुका है। तो इसी तरह से आपको अपना मेल आईडी कॉन्फ़िगर करना है, पार्टी के अंदर भी आपको मेल आईडी कॉन्फ़िगर करना है, और आपका जो याहू का अकाउंट है उसके अंदर छोटा सा चेंजेस है, वही चेंजेस करोगे तो आप अपना अकाउंट अकाउंट में से डायरेक्टली टेली में से मेल कर पाओगे, बहुत ईजी है। और भी अगर आपका प्राइवेट कोई मेल आईडी है तो खुद आपने से कुछ वेबसाइट वगैरह बनाया और उसका मेल आईडी है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसका जो अंदर का जो सेटिंग रहेगा वो सेटिंग आपको सेट करके अपने जो आप जहाँ से भी आपने वेबसाइट वगैरह बनाया है वहाँ से आप उसका डिटेल लेके आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आपको मेल आईडी कॉन्फ़िगर करके आप टेली में से मेल भेजना है। दोस्तों अगर आइए आपको वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने ग्रुप में सबको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।